तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज एक बार फिर से सरदार जी की बरसों पुरानी दुकान पे, और खाने के लिए इनके यहाँ क्या, इनके तंदूरी नान। तंदूरी नान बनाते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। आइटम बहुत सारे मिलेंगे आपको, छोले भटूरे मिलेंगे, लच्छा पराठा मिलेगा, पनीर नान मिलेंगे। तो ट्राई करते हैं आज हम इनके आलू नान, पनीर नान। आइए। हाँ तो भैया क्या बना रहे हो आप? आज हम पनीर पराठे बना रहे हैं, स्पेशल स्पेशल पनीर पराठे। ये पनीर पराठे रेडी हो गए, पनीर पराठे रेडी हो गए। ये इस पर लगाया, इसका क्या प्राइस होता है भैया? ये अपनी 80 रुपए, 80 रुपए रहती है। और पनीर नान की वो भी 80 रुपए, रेट सेम ही है दोनों का। हाँ। ये बटर ही लगाते हैं आप? बटर ही लगाते हैं हम, ताकि अंदर तक बटर चला जाए, अंदर तक बटर चला जाए। अच्छा, और ये आपकी रेडी है, वैसे इसमें डाल दिया मक्खन और। अच्छा, ये सब में डालते हैं आप? हाँ, नहीं, दाल मखानी में। दाल मखानी में। और भाई ये चेक कीजिए आप इनके यहाँ की दाल मखनी, क्या बात है। ये छोले है, ये छोले आप बनाते हैं? ये छोले ये अपने भाई प्याज के रहते हैं? हाँ जी, जैसे लहसुन प्याज वगैरह डालता है इसमें, और अपने खुद के मसाले डालते हैं इसमें। अच्छा, बड़ा स्पाइसी स्पाइसी होता है ना? हाँ जी। छोले की रंगत तो बहुत अच्छी लग रही है भैया। हाँ जी, इसे बोलते हैं व्हाइट चना। व्हाइट चना होता है, ये तो रायता साथ में रहता है ना? हाँ जी, रायता साथ में। मैंने सुना है कि आपके यहाँ आदमी आएगा तो 20 रुपए में भी खाना खा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो 20 रुपए में क्या क्या आइटम है अपने यहाँ? 20 रुपए में हम सबसे पहले उनको छोले चावल देते हैं। छोले चावल है। हाँ। भाई चेक कर लीजिए, इनके यहाँ की रेट लिस्ट है, काफी नॉमिनल है। और अगर आप चेक करेंगे इनके यहाँ की भीड़, तो इनके यहाँ के नान वगैरह लोगों को काफी पसंद है, इसलिए लोग इनके यहाँ आते हैं, क्योंकि ये बनाते हुए टेस्टी है। तो दोस्तों सरदार जी की फेमस 70 साल पुरानी दुकान के पनीर पराठा आ गए हैं। ये पनीर नान नहीं है, ये आलू और आटे के बने हुए हैं। एक बार लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं इनकी। सामने गुरुद्वारा है फूलबाग वाला, उसके जस्ट सामने सरदार जी की दुकान है। तो सबसे पहले इनके टेस्ट करते हैं हम छोले। भाई छोले इनके बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, स्पाइसी स्पाइसी लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम छोले ही टेस्ट करेंगे। लहसुन प्याज वाले स्पाइसी छोले हैं, और छोले में जब तक स्पाइसी पन नहीं होता तब तक तो मजा ही नहीं आता। टेस्ट करते हैं इनकी दाल मखनी। दाल मखनी का टेस्ट भी काफी अच्छा है। चेक कीजिए इनका पनीर पराठा। अभी कहाँ हो? जैसा मैंने आपको बनते में भी दिखाया था, और अंदर भी चेक करा देता हूँ। ये पनीर पराठे में पनीर डालने में कोई कंजूसी ही नहीं करते हैं। भाई पनीर पराठे की एक बात है, जैसे पनीर नान वगैरह खाते तो वो खिसता है थोड़ा सा, लेकिन पनीर जो आटे का जो पनीर पराठा है वो बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा बना है। लेते हैं भाई। पनीर पराठे का टेस्ट है काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा है। ये तो अच्छा लगा। अगर आपको भी खाना है तो आपको आना पड़ेगा, डीडी मॉल के पास गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के जस्ट सामने सरदार जी की दुकान है। आप वहाँ पे आके इनके आलू नान है, पनीर पराठा है, वो ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करा। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।